Zombie Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं शिजमुन खान और आप देख रहे हैं एडिटिंग फाजू। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए आऊँ एक और ट्रेनिंग उर्दू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। गाइस यहां पर मैं आपको डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। तो गैज कुछ इस टाइप के जोन से लिरिक्स है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग का बजा रहे हैं, मुझे सजेस्ट की गई थी ये वाली वीडियो। सो गैज यहाँ पर मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। इसको कैसे क्रिएट करेंगे तो उसको सीखने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देख लेनी है। सो गैज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं छोटी सी आशा है कि गैज चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। सो गैज आपने इस वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल में नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए गैज बिना टाइम वेस्ट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपली यहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का लाइट मोशन ऐप को ओपन कर देना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने प्लस के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पर आपको कोई सी भी जो एक रेशियो है वो सिलेक्ट कर देनी है। देन सिलेक्ट करने के बाद करे प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना है। देन गाइस यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर टैप करना होगा और यहाँ पर आपने मीडिया के ऊपर टैप करके कोई सी भी जो एक वीडियो सिलेक्ट कर देनी है। सो गाइस यहाँ पर मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूँ। सो गैज ये वाली जो सी मैंने वीडियो है वो ऐड कर दिया जो कि गैज कुछ इस टाइप की रहेगी। सो यहाँ पर आपने करना क्या होगा, प्लस के ऊपर अगेन से टैप कर देना है। देन यहाँ पर आपको मीडिया के ऊपर टैप करके यहाँ पर मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड कर दूंगा जो कि गैज कुछ इस टाइप की रहेगी। इसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना, देन फुल एंड तक इसकी लेंथ को ले जाना है। देन इफेक्ट के ऊपर टैप कर देना है, एड इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है क्रोमा की, यहाँ पर मेरा नजर आ रहा है। देन यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप कर दूंगा, इस कलर के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन का ऑप्शन फर्स्ट में नजर आ रहा है तो आपने इसके ऊपर टैप करके यहाँ पर आपने जो सा ग्रीन स्क्रीन वाला ये चूज कर देना। देन थ्रेशोल्ड इसका आपने बढ़ा देना जितना आप बढ़ाना चाहते हो, यानी कि आपको ग्रीन स्क्रीन मूव होना चाहिए। देन यहाँ पर मैं बैक कर जाता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको लिरिक्स लिखने, यहाँ पर गैज मैं आपको XML प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने बैक कर अपना प्रोजेक्ट अगेन से ओपन कर देना है जो कि गैज कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर आपने तीन लेयर को कुछ इस टाइप का सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपने कॉपी थ्री लेयर कर देना, बैक आ जाना है, अपना प्रोजेक्ट अगेन से ओपन कर देना है। देन ओपन करने के बाद यहाँ पर टैप करके आपने पेज थ्री लेयर के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर जो शेडो वाली लेयर है इसको आपने फुल एंड तक ले जाना है। देन यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का जो सा स्टार्ट में आने के बाद ये जो शेडो वाली लेयर है इसको यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर ले जाना है ताकि इस टाइप का आपको नजर आ जाए। सो गाइस यहाँ पर आपने करना क्या होगा, अब लिरिक्स को आपने देख लेना, जहाँ तक आपके लिरिक्स बनते हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपने इसको ट्रिम कर देना होगा। सो गाइस यहाँ पर मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। देन ट्रिम करने के बाद यहाँ पर आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आपको जो ऊपर लेयर है इन इमेज वाली तो आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। एडिट टेक्स्ट पर टैप करके इसको कर देना होगा रिमूव। जो भी यहाँ पर आप इमेज वगैरह यूज करना चाहते हो यहाँ पर आप टैप कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर आपने लिरिक्स वाले लेयर के ऊपर टैप करके एडिट टेक्स्ट पर टैप कर देना है, इसको करके रिमूव। जो भी यहाँ पर आपका लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। देन यहाँ पर बैग जाना है, अब यहाँ पर आपने इमेज वाले लेयर के ऊपर टैप कर देना है। देन इफेक्ट के ऊपर टैप कर देना है और स्लेट को यहाँ पर आपने ओपन कर देना है। देन जो सा इसका मैग्नीट्यूड रहेगा वो यहाँ पर आपने 25 तक रख देना है। देन रख देने बाद इसको आपने क्लोज कर देना है। देन रिबन को यहाँ पर आपने ओपन कर देना है। इसकी गैस जो सी विथ रहेगी यहाँ पर आपने फुल रख देनी होगी। सो गैस यहाँ पर मैं फुल रख देता हूँ। देन गैस फुल रखने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको मोशन ब्लर मिल रहा है तो उसकी ट्यून को आपने फुल कर देना होगा 4। देन यहाँ पर आपको वेव वर्क मिल रहा है तो आपने इसको ओपन कर देना है। मैग्नीट्यूड को गैस यहाँ पर आपने 1 तक ले जाना है। देन इसको भी क्लोज कर देना है। यहाँ पर आपको नीचे वेव वर्क अगेन से मिल रहा होगा तो आपने इसकी जो सी स्पेसिंग रहेगी वो गैस यहाँ पर आपने तकरीबन 20 तक रख देनी है। सो गैस यहाँ पर मैं बढ़ाकर इसको 20 रख देता हूँ, बट 20 रख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर किस टाइप का जो सा हमारा लिरिक्स है ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने करना क्या होगा, सेम यही प्रोसेस आपने नीचे वाले जो से लिरिक्स हैं इनके साथ कर लेना, यानी कि इफेक्ट के ऊपर टैप करके यहाँ पर आपने सबसे पहले जो सा ऑसिलेट रहेगा इसको यहाँ पर आपने 25-24 तक ले जाना है। देन रिबन के ऊपर टैप करके इसकी गैस जो सी विथ रहेगी इसको कुछ इस टाइप का आपने 5 तक ले जाना है। जैसे यहाँ पर गैस मैं लेकर जा रहा हूँ, सेम यही प्रोसेस है जो आपने पहले किया था। देन गैस इतना कर लेने बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। मोशन बार को यहाँ पर आपने ट्यून इसकी 4
तक रख देनी है। देनी वेव वर्क को अगेन से ओपन कर देना है। मैग्नीट्यूड को यहाँ पर आपने 1 रख देना है। अब नीचे वाला वेव वर्क को ओपन करने के बाद इसकी स्पेसिंग जो सी रहेगी यहाँ पर आपने 20 तक रख देनी होगी। देन 20 तक रख देने बाद यहाँ पर मैं 20 तक रख देता हूँ। क्लोज कर देना है। देन बैग आ जाना है। यहाँ पर हम जो सा हमारा लिरिक्स है वो कंप्लीट तरीके से अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पर आपने कॉपी लेयर कर देनी होगी, कॉपी टू लेयर। देन यहाँ पर आपका लिरिक्स बनता है सेकंड। वहाँ जाने के बाद आपने सिंपली पेज टू लेयर के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपने देख लेना है कि आपका लिरिक्स कहाँ पर बनता है, उस हिसाब से यहाँ पर आपने इसको ट्रिम या फिर इंक्रीज कर देना है, ये टाइमिंग वाला ऑप्शन यूज़ करके। देन यहाँ पर अब आपने लिरिक्स सेकंड लिखने के लिए यहाँ पर आपने टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करके इसको कर देना होगा रिमूव। देन यहाँ पर आपका जो सा लिरिक्स बनता है वो यहाँ पर आपने सिंपली टैप कर देना है। इसी तरह आपने इमेज वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर देनी है। इस तरह आपने फुल प्रोजेक्ट जो सा कंप्लीट टैप कर देना है लिरिक्स वगैरह। देन यहाँ पर आपको राइट टॉप में ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक्सपोर्ट का, तो आपने इसके ऊपर टैप करके सिंपली यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसके ऊपर टैप कर देना है। तो गैस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर गैस आपको नहीं पसंद आया तो बेल लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो गैस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।